रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा मुकम्मल होने को है और खारान में महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। रोटी अशिया समेत सब्जी और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी में कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भिंडी 350, मटर 200, प्याज 150, टमाटर 200, माल्टा 250 और तरबूज 250 रुपए किलो, जबकि छोटा गोश्त 1600 और मुर्गी का गोश्त 800 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जो गरीब रोजेदारों की कुव्वतो खरीद से बिल्कुल बाहर है। जबकि रही सही कसर ईरानी पेट्रोल ने पूरी कर दी, जिसकी कीमत इस वक्त 250 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। इस सारे मामले में सरकार का कोई अमल दखल दिखाई नहीं दे रहा। अशिया, खुदनोश, सब्जी और गोश्त के नकनामे पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हत्ता के सब्जी मंडी में सरकारी नकनामा अवेजा तक नहीं है। ऐसे में प्राइस कंट्रोल कमेटी बराए नाम का रह गया है। सब्जी फरोशों और कसाईयों ने अपनी मर्जी की कीमतें लगा रखी हैं। खारान के समाजी हलकों ने जिले इंतजामिया से रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अशिया, खुर्दनोश, सब्जी, फल, गोश्त और ईरानी तेल के महंगे दामों को फरोख्त करने का नोटिस लेकर रोजेदारों को रिलीफ फराहम करने पर पुरजोर मुतालबा किया है। वश न्यूज, खारान, बलूचिस्तान।